अगली खबर आ रही है रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से, जहां नगर में डिवाइडर युक्त सड़क निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। आज के हटाए गए अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया और अतिक्रमण हटाने की नीति पर व्यापक असंतोष दिखा है, क्योंकि बीते माह प्रशासन द्वारा 15 मीटर सड़क से दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानों को रेखांकित करने के साथ अलाउंस भी किया गया और बाद में अचानक अतिक्रमण के नाम पूरी तरह से दुकानों को ध्वस्त किए जाने से छोटे व्यापारियों में भारी असंतोष और आक्रोश दिखा है। इसका ठीकरा कहीं ना कहीं भाजपा विधायक पर फूट रहा है। उन पर गरीब छोटे व्यापारियों पर सितम तो पूंजीपतियों पर रहम की नीति अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि बाजार के बाहर की एरिया के अतिक्रमण को 15 मीटर तक हटाने के निर्णय के बीच पूरी तरह से सफाया करते हुए गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। तो वहीं नगर के बाजार में सड़क से दोनों तरफ 13 मीटर लेने का विधायक द्वारा पूंजीपति व्यापारियों के साथ बैठक में लिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। आपको बता दें कि बीते माह अतिक्रमण खाली कराने के लिए नगर परिषद द्वारा दुकानदारों को नोटिस देने के साथ साथ अलाउंस भी कराया गया था, पर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही, जिसके चलते प्रशासन के कार्यवाही का इंतजार था। सोमवार की दोपहर जैसे ही तहसीलदार रत्नराशि पांडे, नगर परिषद के CMO महेश पटेल पुलिस बल के साथ JCB मशीन लेकर बराव रोड के सामने पहुंचे तो हड़कंप मच गया। लोग अपनी दुकानें खाली करने लगे और प्रशासन ने दुकानें खाली कराकर उन्हें JCB के माध्यम से ढहा दिया। माना जा रहा है कि मऊगंज नगर में सड़क से 15 मीटर तक के अतिक्रमण ढहाए जाएंगे। यह अतिक्रमण की कार्यवाही जेल रोड के समीप से त्रिपाठी पेट्रोल पंप तक होनी है, जिसमें सोमवार से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दोपहर के अंदर सब हटा लेंगे, उनकी इच्छा होगी तो दोपहर की रात है, इच्छा तो परसों की रात है। कोई चाहे जब हमारा एक कहना है कि ईटा भी आराम से निकाल ले जाओ, सो निकाल लो। अरे ईटा तो नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तीन टप्पा निकाल लेंगे। जो बोलती है छोटी वाली बच गई है, निकल सकता है उसको, उसकी जमीन है ना, जनपद की जमीन, ठीक है, उनको भी बोल दीजिए, वो सामान मशीन रखे हैं बोल दीजिए। आपको देंगे।